पश्चिमी चंपारण में मुकाबला जबरदस्त, बीजेपी के घर में निर्दलीय मनीष कश्यप। क्या कहता है पश्चिमी चंपारण का सियासी समीकरण? क्या इस बार बीजेपी बचा पाएगी अपना गढ़ या निर्दलीय उम्मीदवार मनीष मारेंगे बाजी? किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार? 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में पश्चिमी चंपारण की सीट इस बार हॉट सीट बनी हुई है। वैसे तो ये सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, लेकिन जब से यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार मनीष कश्यप ने हुंकार भरी है, ये सवाल सभी के जुबान पर है कि क्या अब की बार इस सीट पर बीजेपी जीत का चौका लगा पाएगी। क्योंकि जब से ये सीट अस्तित्व में आई है, इस लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी का दबदबा कायम है। बीजेपी के मौजूदा सांसद संजय जायसवाल इस बार भी आम चुनाव में ताल ठोक रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से यहां कांग्रेस मैदान में है। लेकिन जब से यहां यूट्यूबर और सन ऑफ बिहार के नाम से मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता मनीष कश्यप ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, नजारा बदला बदला दिखाई दे रहा है। और ये बात हम नहीं बल्कि मनीष कश्यप की रैलियों में उमड़ रही भीड़ बयां कर रही है। ऐसे में यहाँ किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार, ये तो 4 जून को सभी के सामने होगा। लेकिन उससे पहले यहाँ के जातीय और सियासी समीकरण पर नजर डाल लेते हैं। इस क्षेत्र में इस बार 26,78,418 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या 12,57,097 और पुरुषों की संख्या 14,21,321 है। इनमें करीब 3,12,000 मुस्लिम मतदाता हैं, वैश्य 2,50,000 के लगभग हैं, ब्राह्मण और बनिया में 2-2 लाख मतदाता हैं, कुशवाहा 2,50,000 के लगभग हैं, राजपूत, भूमिहार और लाला 90,000 के लगभग हैं। इस तरह से यहाँ के जातीय समीकरण को समझा जाए तो बीजेपी उम्मीदवार संजय जायसवाल बनिया समुदाय से आते हैं। माना जा रहा है कि इनके समर्थन से ही बीजेपी का इस क्षेत्र में दबदबा है। वहीं मनीष कश्यप ब्राह्मण समाज से आते हैं। असल में मनीष कश्यप का असली नाम त्रिपुरारी तिवारी है। ऐसे में जाहिर है कि ब्राह्मणों के वोट मनीष कश्यप के पाले में जा सकते हैं। इसके अलावा मनीष की महिला वोटरों में भी काफी अच्छी खासी छवि है। ऐसे में अगर महिलाएं भी मनीष के समर्थन में आ जाती हैं, तो आधी आबादी के सपोर्ट से मनीष को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। यानी कि साफ है कि मुकाबला जबरदस्त है। वहीं अब आपको यहाँ के सियासी समीकरण के बारे में भी बताते हैं। महात्मा गांधी के सत्याग्रह की जन्मभूमि पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र का गठन नए परिसीमन के बाद 2008 में हुआ था। पहले ये सीट बेतिया कहलाती थी। 2009 में पहली बार इस सीट पर लोकसभा का चुनाव हुआ, तब बीजेपी उम्मीदवार संजय जायसवाल ने इस सीट पर जीत हासिल की थी, जिसके बाद से ही जायसवाल लगातार 3 बार से सीट को जीतते आ रहे हैं। 2019 में उन्होंने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उम्मीदवार ब्रजेश कुमार कुशवाहा को करारी शिकस्त दी थी और अब की बार भी बीजेपी सांसद चुनावी मैदान में है, जबकि कांग्रेस ने 1984 में आखिरी बार इस सीट पर जीत हासिल की थी। यानी कि साफ है कि मुकाबला कड़ा है, जिसमें भले ही सियासी समीकरण के तौर पर बीजेपी मजबूत दिखाई दे रही हो, लेकिन जातीय समीकरण और फैन फॉलोइंग के आधार पर मनीष कश्यप भी कुछ कम नहीं। मनीष कश्यप को लोग काफी पसंद कर रहे हैं, जिसके बाद अब ये सवाल उठता है कि क्या इस बार इस क्षेत्र में परिवर्तन की बयार बहेगी या फिर बीजेपी का कब्जा कायम रहेगा। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लें।